दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के, उस वक्त भी उन्हें जो तोहफे मिलते थे उसे नीलाम किया जाता था और उसके बाद जो पैसे आते थे वो अलग अलग वजहों के लिए लगाए जाते थे, सरकारी खजाना उससे बढ़ता था। मोदी की सोच ये है कि जो तोहफे मिले उन्हें ट्रेजरी में डालकर सड़ाने से अच्छा है पैसे लिए जाए और उन्हें किसी अच्छे काम में लगाया जाए। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही इस तरह की नीलामी कर रहे हैं। जब पार्टी के लिए फंड जुटाना था, चंदा जुटाना था, तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस वक्त उम्मीदवार थे, उस वक्त चुनाव लड़ना था, अब मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल के साथ भोजन करने की कीमत 20,000 रुपये लगी थी। केजरीवाल का मकसद चुनाव के लिए चंदा जुटाना था। आपको ये भी बता दें कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ सिडनी में भी अब डिनर का आयोजन होना है। इस आयोजन में अगर उनके साथ एक टेबल पर डिनर करना है तो 75,000 से 1.5 लाख तक में ये डिनर सचिन तेंदुलकर के साथ भी किया जा सकता है।